मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। छतरपुर के बामनौरा में धसाना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 59 लोग फंस गए थे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने इन लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। भोपाल का बड़ा तालाब अब मात्र 3.70 फीट खाली रह गया। हाल में ही तालाब का पानी का लेवल 1663.10 फीट तक पहुंच चुका है, जबकि फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है। पिछले दो दिनों में तालाब के लेवल में 0.70 फीट की बढ़ोतरी देखी गई है और बुधवार सुबह भी पानी की आमद जारी है। नेपाल में बुधवार सुबह हुए विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि विमान के पायलट की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा नेपाल की राजधानी काठमांडू में टैंक ऑफ के दौरान हुआ, जिसमें सौर्य एयरलाइंस के विमान में 19 लोग सवार थे। अमरवाड़ा की लाडली बहनों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वीडियो जारी कर अपील की है, जिसमें कहा है कि यहां पर सभी के पक्के मकान बन चुके हैं, लेकिन राजगुरु पिपरिया में अभी तक पक्के मकान नहीं बन पाए हैं। इसलिए शिवराज जी से निवेदन है कि यहां भी जल्दी से पक्के मकान बनवाए जाएं। धूली मोहल्ला और चेचीनार बिनली पोरा के निवासियों ने राजस्व विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें क्षेत्र में इस सड़क की उनकी लंबे समय से लंबित मांग की अनदेखी का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 60 साल के इंतजार के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC शहडोल मंडल के अंतर्गत 12 शाखाओं में कार्यरत लगभग 110 सैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके कार्यों से पृथक कर दिया गया है, जिससे इन शाखाओं में वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नए बजट में देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिखा है। नया बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं को सशक्त बनाने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर भारत के साथ संभावित विवाद को हल करने का जिम्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पर छोड़ दिया है। रिपोर्टों के अनुसार PCB ने इस मामले में ICC से मदद की अपील की है, ताकि भारत को टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मनाया जा सके। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अचानक तेज बारिश होने से करीब 5 दर्जन लोग एक टापू पर फंस गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला, जिसके जिले बामनौरा थाना इलाके का यह मामला है। कुटौरा गांव के गुर्जन घाट मंदिर में मंगलवार की शाम 59 ग्रामीण धसान नदी पार करके दर्शन करने गए थे। उस वक्त नदी में ज्यादा पानी नहीं थी, लेकिन अचानक तेज बारिश होने के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया और सभी ग्रामीण नदी के टापू पर फंस गए। इंदौर के सभी चौराहों पर ITMS सिस्टम के तहत कैमरे लगाए जा रहे हैं। शहर के 13 चौराहों पर इन कैमरों से चालान कटने लगे हैं। एक महीने के अंदर ही इन कैमरों से 70,000 लोगों के चालान काटे हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 5,000 से ही चालान के पैसे भरे हैं, बाकियों को जुर्माना राशि भरने के लिए अब पुलिस फोन लगाएगी।